हेलो दोस्तों, आरईसी कंपनी के डिविडेंड की बात करेंगे। 10 ईयर का डिविडेंड डेटा हम लेकर आए हैं और इस वीडियो में 10 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जहां पर बोनस और फ्यूचर में क्या डिविडेंड का प्रोजेक्शन हो सकता है उसके बारे में डेटा के साथ हम एनालिसिस करने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो देखिए, सबसे पहले डिविडेंड ग्रोथ हुआ है या नहीं 2013 से 2023 10 ईयर्स में। तो देखिए, 2013 में 3.09 रुपीज का डिविडेंड था। ये क्योंकि बीच में बोनस आए हैं तो मैंने ये जो प्राइस है बोनस को एडजस्ट करके किया हुआ है कि अभी के जो प्राइस है उसके हिसाब से। अब 2023 जो लास्ट फाइनेंशियल ईयर था, कंपनी के द्वारा टोटल कितना 12.60 रुपीज का डिविडेंड आया था। तो कुछ जो डिविडेंड का जो ग्रोथ है हमको ईयर ऑन ईयर कुछ 14.4% का हमको देखने को मिला है। मतलब 10 साल पहले अगर आपके पास जितना डिविडेंड आ रहा था, अगर आपके पास आरईसी का स्टॉक था, तो अब डिविडेंड ज्यादा आ रहा है। ये पहला मैसेज जा रहा है। अब 5 साल की बात करते हैं, मतलब 2018 से, तो अगेन एडजस्टेड टू बोनस कंपनी ने कितना डिविडेंड दिया था, 6.86 रुपीज का ये डिविडेंड दिया था। ठीक है, अगेन लास्ट ईयर कितना डिविडेंड था, 12.6% का। तो 5 ईयर का भी अगर आप डेटा देखेंगे तो 12% का डिविडेंड ग्रोथ यहां पर हो रहा है। तो कुछ इन पॉइंट टू पॉइंट आंकड़ों से इतना पता चल रहा है कि कंपनी का आप ऐसा रेंज मान सकते हैं कि 10-15% का डिविडेंड ग्रोथ हमको देखने को मिल रहा है आरईसी के केस में। एक रेंज बता रहा हूं दोस्तों। नेक्स्ट एक इंटरेस्टिंग डेटा दोस्तों, शेयर प्राइस का क्या परफॉर्मेंस है। सोच लीजिए, लास्ट ईयर मैं वीडियो आपके साथ बना रहा होता तो कुछ ऐसा नंबर मुझे आपको नहीं देखने को मिलता। अब इसी साल में 1 ईयर में देखिए 263% रिटर्न मिला हुआ है और उसके कारण से क्या हुआ है, 10 ईयर रिटर्न 17% हो गया है। अब जैसे मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए, ये 10 ईयर का डेटा है। अब लास्ट ईयर तक तो देखिए, ये देखिए, ये लास्ट ईयर दिसंबर महीना तक देखिए, नवंबर दिसंबर, ये 110-111 के पास ही शेयर प्राइस था। अभी इस बार ये ऑलमोस्ट 4 times ही अभी बढ़ चुका है, 100 से ऑलमोस्ट 400 हो चुका है। तो जो भी हो, अभी हम पॉइंट टू पॉइंट डेटा में जा रहे हैं, तो एक अच्छा स्टॉक प्राइस का भी रिटर्न मिला है जब हम बात कर रहे हैं आरईसी के बारे में। अब डिविडेंड फ्रीक्वेंसी दोस्तों, यहां बहुत इंटरेस्टिंग हो जा रहा है। पिछले कुछ सालों से डिविडेंड हर क्वार्टर में आ रहा है, Q1, Q2, Q3, Q4। जैसे 2021-22 में क्या हुआ था, अगस्त, फिर नवंबर, फिर फरवरी, फिर जुलाई, ऐसे करके डिविडेंड आया था। आपका क्वेश्चन हो सकता है कि क्यों मैं जनवरी टू दिसंबर यहां कैलकुलेट नहीं कर रहा हूं, मैं यहां पर फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से जा रहा हूं। तो फाइनेंशियल ईयर में क्या होता है, अप्रैल से जून पहला क्वार्टर होता है, तो उनका कब डिविडेंड आएगा, जब भी रिजल्ट आएंगे, तो रिजल्ट या तो जुलाई एंड या अगस्त के समय में आते हैं, तो उस समय में डिविडेंड आता है। अभी बहुत रिसेंट में क्वार्टर टू खत्म हुआ है, जुलाई अगस्त सितंबर, तो अभी नवंबर दिसंबर में जो है डिविडेंड यहां पर रहा है। ठीक है, अब इस साल देखेंगे तो ऑलरेडी दो बार दो क्वार्टर रिजल्ट आ चुका है, दो डिविडेंड आ चुका है, अगस्त में 3 रुपीज का और नवंबर में 3.50 रुपीज का। आप हो सकता है कंफर्म भी कर सकते हैं, अगर आप एलिजिबल इस डिविडेंड के लिए थे तो आपको हो सकता है डिविडेंड मिला भी होगा दोस्तों। तो ये डिविडेंड फ्रीक्वेंसी कंसिस्टेंट है। अब फरवरी का महीना जब क्वार्टर थ्री का रिजल्ट आएगा, तब देखना है कि जो पिछले कुछ सालों से हम डिविडेंड कंसिस्टेंसी देख रहे हैं, डिविडेंड फरवरी में आता है या नहीं आता है। दोस्तों हमारा बिजनेस पर फोकस रहता है, पैसिव इनकम, डिविडेंड और लेटेस्ट म्यूचुअल फंड के दोस्तों पोर्टफोलियोज हमने शेयर करना शुरू कर दिए हैं। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम ग्रुप की लिंक को चेक कर सकते हैं। 3700 से ज्यादा की कम्युनिटी है, ऑलरेडी कुछ म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियोज को मैंने शेयर कर दिया है, मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू जरूर मिलेगी। नेक्स्ट आरईसी के बारे में डिविडेंड यील्ड क्या हो रही है, बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए, फरवरी 2013 में शेयर प्राइस कुछ 90 के आसपास था, ठीक है, और उस समय में कितना था, 3.09 रुपीज का डिविडेंड, तो 3.4% की डिविडेंड यील्ड हो रही थी। ओके, अब 2023 में सोच लीजिए, उसी 90 के आसपास किसी इन्वेस्टर का शेयर प्राइस है और लास्ट ईयर कितना था, 12.60 रुपीज का डिविडेंड, तो 14% की डिविडेंड यील्ड हो जा रही है। और इंटरेस्टिंग चीज दोस्तों, लास्ट ईयर तक ये अप्रैल, मई, जून, जुलाई 2022, पिछले साल की हम बात करें, देखिए ये 88, 89, 90, ये देखिए उसी रेंज में ही चल रहा था। तो मार्केट की तरफ से भी थोड़ी डी रेटिंग भी हुई थी एक टाइम में, बहुत लो प्राइस टू बुक में भी, अगर मैं वैल्यूएशन को जल्दी से देखूं तो देखिए कितने कम लो वैल्यूएशन में भी उस समय में ट्रेड कर रहा था उस समय में। अभी तो चलिए वैल्यूएशन बढ़ गया है क्योंकि अभी शेयर प्राइस भी बढ़ा हुआ है, लेकिन लास्ट ईयर तक भी वो 80, 90, 100 के आसपास था। तो लास्ट ईयर भी कोई इन्वेस्टर के पास, अगर सोच लीजिए आरईसी उन्होंने बाई किया होता, तो 12.60 रुपीज मतलब अच्छी खासी 12% से ऊपर की, मतलब एफडी का डबल उनको यील्ड मिल रही थी। मैं सही बोल रहा हूं या नहीं बोल रहा हूं, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, अपने एक्सपीरियंस के साथ बताइएगा दोस्तों, आपने क्या एक्सपीरियंस किया है वो मुझे बताइएगा। नेक्स्ट, कंसिस्टेंसी है कि नहीं। अब देखिए, ये 10 ईयर का डेटा मैंने देखा, एक चीज मैंने देखा है कि कंसिस्टेंसी बिल्कुल है और डिविडेंड हर साल यहां पर कंपनी के द्वारा आ रहा है। पहले मैं देखता था, मतलब 5-6 साल पहले साल में 2 बार डिविडेंड आता था, एक फरवरी के टाइम में और फिर बाद में फाइनल डिविडेंड जुलाई अगस्त में आता था, लेकिन पिछले कुछ सालों से जो डिविडेंड है और थोड़ा सा फ्रीक्वेंसी उनका ज्यादा बढ़ा है, Q1, Q2, Q3, Q4 ऐसे करके डिविडेंड आ रहा है। अब डिविडेंड तो है ही, बोनस 2 बार आया है इन 10 ईयर्स में, 2016 में 1:1 और बहुत रिसेंट लास्ट ईयर में ही 1:3 रेशियो में बोनस आया है। मतलब आपके पास सोच लीजिए 3 शेयर थे तो आपको एक बोनस शेयर आरईसी का मिलता, ठीक है, मतलब 30 शेयर थे तो 10 बोनस शेयर मिलते, तो 40 हो जाते, ठीक है। तो ये इंटरेस्टिंग बोनस को लेकर भी इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट, डिविडेंड पे आउट रेशियो, अगर मैं आपको कहूं कि आरईसी कम डिविडेंड देती है तो शायद आप सोचेंगे कैसे कम डिविडेंड देती है, इतना अच्छा तो डिविडेंड आता है, लेकिन
वो एक्चुअली में कम डिविडेंड देती है। 21% का पे आउट था 2023 में, और अभी आप देखेंगे 30% का पे आउट। थोड़ा इसको समझते हैं। देखिए ये आरईसी है, हम देख पा रहे हैं यहां पर स्क्रीनर में प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। यहां पर 2023 पिछले साल का ये डेटा है। कंपनी ने बहुत प्रॉफिट किया था, देखिए 11,167 करोड़ का प्रॉफिट किया था। अब ये है कंपनी का ईपीएस, मतलब एक शेयर आपके पास है तो वो कितना प्रॉफिट कर रहा है, कितना 42.4 का वो प्रॉफिट कर रहा है। तो 42.4 में 30% लगभग कितना होता है, 12.6 होता है। तो उन्होंने सोच लीजिए 100 रुपीज कमाए तो 30 रुपीज एज डिविडेंड उन्होंने पे किया, और कुछ पीएससी उसका कुछ ऐसा ही रूल होता है कि 30% उनको पे करना पड़ता है। तो आरईसी का डिविडेंड बहुत अच्छा यील्ड जरूर मिल रही है, लेकिन कंपनी और भी ज्यादा डिविडेंड दे सकती है। बट चूंकि देखिए अब वो भी फाइनेंस कंपनी है, फाइनेंस कंपनियों में जनरली हमने देखा है कि वो लोग बहुत डिविडेंड बहुत नहीं जाते हैं, चाहे कोई बैंक हो, चलिए बैंक जैसे एचडीएफसी बैंक या फिर मे बी पीएससी जैसे एसबीआई ले लीजिए, या फिर इवन कोई एनबीएफसी भी ले लीजिए, डिविडेंड के लिए जनरली फाइनेंस कंपनी नहीं मानी जाती है, ठीक है। बट स्टिल उनका इतना प्रॉफिट है तो भी 30% पे आउट के बाद भी बहुत अच्छी यील्ड यहां पर जो है कंपनी की जो आरईसी है उनकी बन जा रही है। उन्होंने प्रॉफिट उन्होंने कंसिस्टेंटली किए हैं। मैं कंपेयर करूं दूसरी कंपनी के साथ तो वो पीएफसी है। इनफैक्ट इंसिडेंटली पीएफसी लगभग 50% से ज्यादा आरईसी को ओन करती है। तो पीएफसी का भी अगर आप डेटा देखेंगे तो 30% पे आउट है, ठीक है। तो डिविडेंड अच्छा है लेकिन पे आउट के हिसाब से आप देखेंगे तो 30% है, ठीक है। अब नेक्स्ट है प्रोजेक्शन। अब प्रोजेक्शन हम करते हैं तो कुछ एजम्पशन भी लेने पड़ेंगे। तो जैसे देखिए अभी हम लोग के पास कौन सा डेटा है, अप्रैल से सितंबर का डेटा है। अब अप्रैल से सितंबर लास्ट ईयर 19.55 का उनका ईपीएस था, ओके 19.55 का ईपीएस था। और अभी आप देखेंगे अप्रैल टू सितंबर 2023 जो बिल्कुल अभी नवंबर में लेटेस्ट रिजल्ट आए हैं, 25.57 का ईपीएस है। तो ईपीएस का ग्रोथ मतलब प्रॉफिट ग्रोथ कितना बढ़ा है, 30% कंपनी ने जो आरईसी है उन्होंने प्रॉफिट किया है पिछले 6 महीने में। अब अक्टूबर से मार्च क्या रिजल्ट रहेगा ये अननोन है, हमको नहीं पता है, ठीक है। तो यहां पर एक एजम्पशन लेना पड़ेगा। अब एजम्पशन मैं यहां क्या ले सकता हूं कि एक डेटा तो हमारे पास आया कि 30% आपने प्रॉफिट ग्रोथ किया, तो मैंने कंजर्वेटिव एक एजम्पशन लिया है कि चलिए मान लेते हैं कि आप 30% नहीं 10 से 30% ग्रो करते हैं, ठीक है। और लास्ट ईयर देखिए ये था ईपीएस कितना था 42.4, ठीक है। तो उसके हिसाब से अगर आप 10 से 30% अगर आप ग्रो करते हैं तो आपका ईपीएस कितना हो सकता है 46 से 54.4। ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, कहीं कंफ्यूजन होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछेगा, ठीक है। अगेन ये एजम्पशन है कि मैं अगर 10 से 30% का ग्रोथ का एस्टिमेशन लेता हूं तो हाँ, अब रियलिटी हमको नहीं पता है, रियलिटी कुछ भी हो सकती है, रियलिटी 40% ग्रोथ भी हो सकता है, रियलिटी 0% ग्रोथ भी हो सकता है, रियलिटी डी ग्रोथ भी हो सकता है, बट हम एक एजम्पशन ले रहे हैं। तो 46 से 54, और अगर 30% पे आउट रेशियो ही रहा जो कि आरईसी का हम देख रहे हैं, ये देखिए जैसे पिछले कुछ सालों से देखिए 30% का ही उनका पे आउट रेशियो है, उसके हिसाब से लगभग एक रेंज बन रही है कुछ 13.8 से 16.3 का डिविडेंड का। अब उसमें भी क्वार्टर वन क्वार्टर टू में दो डिविडेंड आ चुके हैं, 3 और 3.5, तो 6.5 6.5 का तो डिविडेंड ऑलरेडी आ चुका है। और वही 10 से 30% ग्रोथ होता रहा तो एटलीस्ट 13.8 से 16.3 का एक अनुमान लगाया जा सकता है। बट यस, एफडी जैसा ये नहीं है, ये डिस्क्लेमर बता दूं, जरूरी नहीं है कि यही डिविडेंड आएगा। एफडी में क्या होता है, आपको पता होता है कि इतना मुझे पैसा मिलना ही है। यहां पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड करते हैं, मैक्रो सिचुएशन के हिसाब से डिसाइड होता है, बिजनेस सिचुएशन के हिसाब से यहां पर ये होता है कि क्या किस तरीके से डिसाइड किया जाएगा, तो वो सब चीजें भी होती है। तो एक जो भी हम लोग के पास अभी तक जो रफ डेटा है उसके हिसाब से एक रेंज यहां पर बन रही है लगभग 13.8 से 16.3 के आसपास, इससे थोड़ा बहुत आगे पीछे भी हो सकता है दोस्तों, सब बिजनेस परफॉर्मेंस पर भी डिपेंड करता है। हमने डिस्कस किया, कुछ मिथ को भी हमने यहां पर हटाने की कोशिश की है जो आरईसी है उसके डिविडेंड को लेकर। मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू मिली होगी आपके समय के लिए, कीमती समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा, और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, आप एक्सप्लोर कर सकते हैं दोस्तों। मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू जरूर मिलेगी। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।